आओ मटरू, खाना खा लो। क्या सोच रही हो मटरू? मम्मी, क्या आसमान में बड़े बड़े नल होते हैं? नहीं तो क्यों? फिर ये बारिश कैसे होती है? जरूर कोई आसमान में नल खोल देता होगा, तभी इतनी बारिश होती है। मटरू, तुम्हारी कल्पना है तो बहुत सुंदर, पर इसके पीछे छिपा है एक विज्ञान का राज। सच्ची मम्मी, तो बताओ ना, बारिश के पीछे कौन सा विज्ञान का राज छुपा है? हमारे आसपास जो तालाब, नदी और समुद्र का पानी है, वो सूरज की गर्म किरणों की वजह से भाप बन जाती है। ये भाप ऊपर चली जाती है? बिल्कुल सही, और ये भाप ऊपर जाकर बन जाता है बादल। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है मम्मी, यही बादल फिर बारिश बनकर बरसता है ना? क्या हुआ मटरू, क्या सोच रही हो? देखो स्माइली, बारिश में कितना सारा पानी गड्ढों में और गंदी नालियों में बहा जा रहा है। क्या हम इस पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते? तुम्हें पता है बच्चों, बारिश के पानी से बहुत से काम हो सकते हैं। जैसे कि तुम बारिश के पानी से सब्जी धो सकते हो या कपड़े भी धो सकते हो। अरे हाँ, हम बारिश के पानी का इस्तेमाल खाना बनाने के वक्त भी कर सकते हैं। और क्योंकि उनमें कोई केमिकल्स नहीं है, हम उसे उबालकर पी भी सकते हैं। बिल्कुल सही बच्चों, तुम बारिश का पानी किसी कुएं में या फिर बाल्टी में भी इकट्ठा करके बाद में भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिर तो बारिश के पानी को बचाना बहुत आसान है और जरूरी भी। मैं कल ही जाके अपने दोस्तों को बताऊंगी और आगे से बारिश के पानी को बचाऊंगी भी। तो दोस्तों, आपको भी मेरी ही तरह बारिश के पानी को बचाना चाहिए। आप बारिश का पानी कैसे बचाएंगे, इसके बारे में सोचें और अपने परिवार के सदस्यों और दोस्तों को बताएं। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर।